क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमें के की वैल्यू निकालनी है और क्या गिवन है कि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, जो गिवन ये पी एक्स हैं पॉलिनोमियल्स इनका ये फैक्टर है क्या एक्स माइनस वन। तो अगर ये फैक्टर है तो जब हम इसका ज़ीरो इसकी एक्स की वैल्यू मतलब जब निकाल लेंगे और उसको इसमें पुट करेंगे तो वी शुड गेट ज़ीरो। वही रिमाइंडर थ्योरम से जैसे हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे उसी तरीके से। तो करना ये है कि जो फैक्टर जिसको ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ फैक्टर इसका ज़ीरो निकाल लें, ठीक है। मतलब जिसे डिवाइड करना है उसका ज़ीरो निकाल लें। और वो कैसे निकालेंगे, वही जो पिछले क्वेश्चंस में हम कर रहे थे क्या कि हम जो फैक्टर है इसको लिखेंगे एक्स माइनस वन है ना फैक्टर गिवन है इसको इक्वल टू ज़ीरो कर, ठीक। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू इसको इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे माइनस वन को तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है इधर प्लस में आ जाएगा तो इट विल बी प्लस वन। तो ये हो गया वन, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन। ये वैल्यू हमने चारों गिवन पॉलिनोमियल्स में रखनी है, सबके लिए यही वैल्यू यूज़ करनी है क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फैक्टर है। चलिए अब चेक करते हैं। तो अब हर एक में एक्स की जगह वन रखेंगे हम, तो रिमाइंडर राइट एक्स की जगह लिखेंगे वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। सो वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन इंटू वन वन ही होगा प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। वन प्लस वन हो गया, ये हो गया टू प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। अब के को यहीं छोड़ेंगे और टू को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो के यहाँ है, टू जब इधर इधर जाएगा देखिए यहाँ कोई साइन नहीं विच मीन्स कि ये प्लस में है, तो जब ये इस तरफ ट्रांसपोर्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस टू। तो बस हमारी के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू है माइनस टू, ठीक। चलिए अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसी का। ये हमारा पॉलिनोमियल है, रखना हमें वही सेम, तो हम करेंगे टू इंटू वन का स्क्वायर, एक्स की जगह वन लिखना है ना हमने, ओके प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू। अब इसको आगे करेंगे दिस इज इक्वल टू ज़ीरो है ना क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो मतलब जब हम इसको पुट करेंगे तो ज़ीरो ही होना है। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वन का स्क्वायर वन होगा तो टू वन ज़ा टू प्लस के इंटू वन एज के प्लस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो, करेक्ट है यहाँ तक, ओके। अब हम ट्रांसपोर्ट करना शुरू करते हैं तो सब के यहाँ पर है प्लस रूट टू, सबसे पहले इसको इधर ले जाएंगे तो ये था प्लस में, यहाँ पे कोई साइन नहीं विच मीन्स कि ये प्लस है, तो जब ये इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अगर इसको इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ ये प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस टू था और ये हो जाएगा रूट टू और ये भी माइनस में ही है, ठीक है। सो अगर हम माइनस को जब हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल गया, माइनस यहाँ और ये है टू रूट टू, दोनों माइनस में है तो हमने कॉमन ले लिया तो के की वैल्यू आ गई माइनस टू रूट टू, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। तो हमारा थर्ड पार्ट है ये गिवन है, इसमें भी एक्स की वैल्यू वही लेनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में ली है, राइट। और पिछले क्वेश्चन में हमने ली है वन, तो सेम लेने वाले हैं हम, तो इसमें भी वही लिखेंगे हम के एक्स की जगह लिखना है हमने वन इसका स्क्वायर माइनस टू इंटू वन ही लिखना है प्लस वन, ठीक है ना। ऑलराइट नाउ दिस इज इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि ये तो इसका फैक्टर है इसलिए ज़ीरो ही होगा, ओके। वन का स्क्वायर वन ही होगा ना, वन इंटू वन इज वन, सो के इंटू वन इज के माइनस टू वन ज़ा टू प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ऑलराइट अब जब हम इसको ये रूट टू था सॉरी दिस हैज़ टू बी रूट टू, तो ये यहाँ पर भी रूट टू हो जाएगा,
ठीक है, अब के को यहीं रखेंगे, बाकियों को उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे हम। तो के यहाँ है हमारा, सबसे पहले जब ये माइनस रूट टू इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस रूट टू, विच वी कैन राइट लाइक दिस, और ये प्लस में है वन, तो ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन। ठीक, तो बस हमारे के की वैल्यू इस केस में ये आ गई। चलिए अब करते हैं फोर्थ पार्ट। सो द फोर्थ पार्ट इज, अभी के वन की एक्स की जगह लिखेंगे वन का स्क्वायर माइनस थ्री, देन अगेन एक्स की जगह वन प्लस के, एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, वन का स्क्वायर वन इंटू वन इज ऑलवेज वन, सो वन इंटू के भी हो जाएगा के, माइनस थ्री इंटू वन थ्री प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इन दोनों के का दोनों भी प्लस में है, तो जब दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास आ गया टू के माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अब टू के यहीं रखेंगे, माइनस थ्री को उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, इधर ये माइनस में है तो इस तरफ जा कर के ये हो जाएगा प्लस में, सो ये हो जाएगा थ्री। ठीक, अभी ये यहाँ पर टू के का मतलब है कि टू इन टू के, राइट, टू के से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो के को यहीं रखना है और इस टू को इधर जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ हो जाएगा ये डिवाइड में, तो थ्री डिवाइडेड बाई टू। बस आ गई आपकी वैल्यू कि के की वैल्यू इस केस में कितनी है, थ्री बाय टू, मतलब के की जगह जब अगर हम ये वैल्यू रख देंगे तो हमारा ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स माइनस वन इसका डिवाइज़र था। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना आप। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर।